जियो की रिलायंस कंपनी ने हाल ही में टैरिफ हाइक के अनाउंसमेंट की, जिससे उनकी सभी प्लान्स की कीमतों में बढ़ावत होगी। इसके तुरंत बाद भारतीय एयरटेल और वीआई आल्सो अनाउंस्ड प्राइस इंक्रीज। इन्होंने प्लान की कीमतों में 25% की बढ़ोतरी की। नए प्लान 3 जुलाई से लागू हो गए। रिचार्ज महंगे होने पर बीते दिनों से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ यूजर जियो को बायकॉट करने की बात करें। इसी बीच जियो ने नया प्लान पेश किया। कंपनी ने 895 रुपीज में साल भर का प्लान जारी किया। जियो के पास अन्य टेलीफोनिक कंपनी की तुलना सबसे ज्यादा ग्राहक है। देश भर में करीब 46 करोड़ ग्राहक इस कंपनी की सिम इस्तेमाल करते हैं। जियो के पास पोस्टपेड, प्रीपेड, ब्रॉडबैंड सभी यूजर के लिए अन्य अन्य शानदार प्लान है। इसके पास सबसे लंबी वैलिडिटी वाला 1 से 1 वर्ष का रिचार्ज प्लान है। इनमें कुछ सस्ते रिचार्ज प्लान भी है। वहीं दाम बढ़ने के कुछ दिनों बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। शनिवार 6 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर ने न सिर्फ जियो के बायकॉट से जुड़ा ट्रेंड #BoycottJio चलाया, बल्कि दाम बढ़ने के कदम से वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट और रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अम्बानी के बेटे की शादी को भी जोड़ दिया। #BoycottJio जियो का भविष्कार के तहत लोगों ने न सिर्फ जियो का जमकर विरोध किया, बल्कि उन्होंने इसके ऑप्शन के रूप में BSNL का नाम भी सुझाया। सोशल मीडिया पर अलक कुमार 01 के हैंडल ने लिखा, पहले मुफ्त की आदत लगा दी, अब 10 गुना रुपए वसूल रहे। आप सभी मिलकर आवाज उठाइए। एक ध्रुव राठी का जो एक फैन पेज है, ध्रुव राठी पोलोडी नाम के यूजर ने कहा कि जियो के बायकॉट का समय आ गया। वे हर महीने बेटे की शादी के लिए जुड़ा फंक्शन करते हैं और रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ाकर रकम गरीब लोगों से वसूलते हैं। जियो का 895 रुपीज वाला प्लान सबसे सस्ता रिचार्ज है। वो लंबे वैलिडिटी के साथ आता है। इससे ग्राहक को 11 महीने तक वैलिडिटी मिल रही है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग सभी नेटवर्क पर कर सकते हैं। इसमें ग्राहकों को हर 28 दिनों के बाद 2GB डाटा मिलता है। इसके बाद ये ऑफर ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। इसके अलावा 28 दिन में 50 SMS पैक भी फ्री में मिलते हैं। कंपनी इस प्लान के ग्राहक को जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो वॉलेट का एक्सेस भी देती है। इसकी खास बात यह है कि रिचार्ज सिर्फ जियो मोबाइल फोन से ही उपलब्ध है। जियो की रिलायंस कंपनी ने हाल ही में टैरिफ हाइक के अनाउंसमेंट की, जिससे उनकी सभी प्लान्स की कीमतों में बढ़ावत होगी। इसके तुरंत बाद भारतीय एयरटेल और वीआई आल्सो अनाउंस्ड प्राइस इंक्रीज। इन्होंने प्लान की कीमतों में 25% की बढ़ोतरी की। नए प्लान 3 जुलाई से लागू हो गए। रिचार्ज महंगे होने पर बीते दिनों से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ यूजर जियो को बायकॉट करने की बात करें। इसी बीच जियो ने नया प्लान पेश किया। कंपनी ने 895 रुपीज में साल भर का प्लान जारी किया। जियो के पास अन्य टेलीफोनिक कंपनी की तुलना सबसे ज्यादा ग्राहक है। देश भर में करीब 46 करोड़ ग्राहक इस कंपनी की सिम इस्तेमाल करते हैं। जियो के पास पोस्टपेड, प्रीपेड, ब्रॉडबैंड सभी यूजर के लिए अन्य अन्य शानदार प्लान है। इसके पास सबसे लंबी वैलिडिटी वाला 1 से 1 वर्ष का रिचार्ज प्लान है। इनमें कुछ सस्ते रिचार्ज प्लान भी है। वहीं दाम बढ़ने के कुछ दिनों बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। शनिवार 6 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर ने न सिर्फ जियो के बायकॉट से जुड़ा ट्रेंड #BoycottJio चलाया, बल्कि दाम बढ़ने के कदम से वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट और रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अम्बानी के बेटे की शादी को भी जोड़ दिया। #BoycottJio जियो का भविष्कार के तहत लोगों ने न सिर्फ जियो का जमकर विरोध किया, बल्कि उन्होंने इसके ऑप्शन के रूप में BSNL का नाम भी सुझाया। सोशल मीडिया पर अलक कुमार 01 के हैंडल ने लिखा, पहले मुफ्त की आदत लगा दी, अब 10 गुना रुपए वसूल रहे। आप सभी मिलकर आवाज उठाइए। एक ध्रुव राठी का जो एक फैन पेज है, ध्रुव राठी पोलोडी नाम के यूजर ने कहा कि जियो के बायकॉट का समय आ गया। वे हर महीने बेटे की शादी के लिए जुड़ा फंक्शन करते हैं और रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ाकर रकम गरीब लोगों से वसूलते हैं। जियो का 895 रुपीज वाला प्लान सबसे सस्ता रिचार्ज है। वो लंबे वैलिडिटी के साथ आता है। इससे ग्राहक को 11 महीने तक वैलिडिटी मिल रही है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग सभी नेटवर्क पर कर सकते हैं। इसमें ग्राहकों को हर 28 दिनों के बाद 2GB डाटा मिलता है। इसके बाद ये ऑफर ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। इसके अलावा 28 दिन में 50 SMS पैक भी फ्री में मिलते हैं। कंपनी इस प्लान के ग्राहक को जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो वॉलेट का एक्सेस भी देती है। इसकी खास बात यह है कि रिचार्ज सिर्फ जियो मोबाइल फोन से ही उपलब्ध है।